देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप सुनो। देखिए कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए तो यहाँ पे अपनों को न तो साधारण ब्याज दिया है और न चक्रवृद्धि दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि नहीं दिया है तो कौन सा देना है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ये बात अपन क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि इस क्वेश्चन को 2 तरह से हल करते हैं। देखो एक तो n1-1 upon n2-1 = t1 upon t2। n1 पहली बार गुना, पहली बार कितना 2 गुना, तो 2-1, दूसरी बार कितना है 16 गुना, तो 16-1 बराबर t1 पहला समय 4, दूसरा समय t2 अपनों को ज्ञात करना। तो 2 में से 1 गया तो 1 बच्चा और 16 में से 1 गया तो 15 बच्चे। ठीक, 15 गुना 4 में 15 चौक 60, t2 बराबर 60 वर्ष। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6000 रुपये 20% दर से 2 वर्ष में SI और CI का अंतर ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अंतर ज्ञात करना, D = PR² / 100² जब 2 वर्ष को, तो ये फार्मूला यूज़ करना। ठीक, तो डी एन डिफरेंस अपने को ज्ञात करना है, पी प्रिंसिपल कितना 6000 रुपये है, दर 20 × 20 हो जाएगा बट्टा 100 × 100 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 सीपर मिल के यहाँ के 3 सीपर कट जाती है, 1 और सीपर यहाँ पे कट जाती है, तो 20 × 40 और 4 × 24 240 रुपये इसका डिफरेंस हो जाता है। भाई आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन हो रहा है। देखिए दोस्तों, सर क्या हुआ, जल्दी आ गया पास।